नमस्कार, स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। पंजाब की राजनीति में अभी हलचल मचती हुई नजर आ रही है और भगवंत मान सरकार के एक के मंत्री अश्लील वीडियो के मामले में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बताएं कि गवर्नर के आदेश पर डीजीपी ने जांच तक शुरू कर दी है और क्या है पूरा मामला, किस तरह से ये खबर फैलती हुई नजर आई, इस खास रिपोर्ट से समझे। के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है, जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें, ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। ये वही केजरीवाल है जो राजनेताओं को नीति सिखाने की बात करते थे, साफ नियत निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करने की जिन्होंने कसमें खाई, आम आदमी के नाम पर पार्टी बनाई, लेकिन आज उन्हीं केजरीवाल एंड फ्रेंड्स पर राजनीति का रंग इस कदर चढ़ा है कि दिग्गजों के नाम भ्रष्टाचार मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसों में निकल कर सामने आए। पार्टी के नंबर दो और नंबर तीन कहे जाने वाले मनीष और सत्येंद्र जैन जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो वही खुद केजरीवाल भी जांच एजेंसियों की रडार पर है। भले ही आप नेता इसके लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन जांच एजेंसियों को जांच में आप नेता आरोपी सिद्ध हो चुके हैं। स्वच्छ छवि और कट्टर ईमानदार वाले टैग को लेकर घूमने वाले आप नेता की पोल खुल चुकी है। हाल ही में पंजाब सरकार के एक मंत्री पर अश्लील वीडियो का आरोप लगा कांग्रेस नेता ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मंत्री के खिलाफ शिकायत की, जिसके बाद राज्यपाल ने चंडीगढ़ के डीजीपी को मंत्री के आपत्तिजनक वीडियो के प्रमाणिकता की जांच कराने के लिए कहा गया। कांग्रेस के नेता खेरा की तरफ से राज्यपाल को इन आपत्तिजनक वीडियो के फॉरेंसिक जांच की मांग के साथ साथ वीडियो सही पाने पर मंत्रियों को पद से हटाने की मांग की गई, जिसके बाद पंजाब की राजनीति में बवाल आया हुआ है। विपक्षी दल सीएम अपमान पर मंत्री को बर्खास्त करने के लिए दबाव बना रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर रेनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए के खर्च का मुद्दा बना रही। ईडी की चार्जशीट में आपके राज्यसभा से सांसद राघव चड्ढा का नाम आने से उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी है। सवाल उठता है, क्या स्वच्छ राजनीति करने आए आप नेताओं पर आखिर राजनीति की एक कैसी हवा लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी।